गाइस, तो हमें रोज के काम करने ही पड़ते हैं, चाहे वो रोटी बनाना हो, खाना बनाना हो, साफ सफाई हो एंड ऑल, हमें सब काम करने ही पड़ते हैं। तो रोज रोज के इन कामों को हम यही सोचते रहते हैं किस तरीके से यूनिक बनाएं, किस तरीके से ऐसे ऐसे जुगाड़ ढूंढें जिससे कि हमारा काम बहुत ही आसान हो जाए, बहुत ही इजी तरीके से हो जाए और हमें ज्यादा थकावट भी ना लगे और काम करने भी मजा आए। तो कुछ इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आई हूँ आज के वीडियो में, जो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो अगर हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें क्लीनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अपनी किचन को हमेशा क्लीन रखने के लिए। तो ऐसे में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, है ना, तो फिर उनको धोने की दिक्कत आती है। खासकर अभी जब बरसात का मौसम चल रहा है तो आए दिन थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है, धूप भी इतनी तेज नहीं होती है और फिर बार बार हमें बाहर सुखाने जाना पड़ता है। तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। तो किस तरीके से, चलिए आइए देखते हैं। तो ये न्यूज़पेपर तो हम सबके घर में आते ही हैं, ठीक है, और ये ऐसे ही पड़े रहते हैं तो इनका यूज़ हम कर ही लेते हैं। तो इसका यूज़ आप किचन में बहुत तरीके से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपके किचन भी साफ़ सुथरा रहने वाला है सिर्फ न्यूज़पेपर की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने न्यूज़पेपर लिया है और इसको मैं स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। पहले इनके जॉइंट्स को सबको खोल लूँगी और ये देखिए यहाँ पर सारे जॉइंट्स मैंने अलग कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से, और ये इसका एक जॉइंट्स रह गया है तो मैं इसको भी फटाफट से इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे जॉइंट्स को कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए सारे जॉइंट्स कट हो गए। अब मैंने यहाँ पर एक रोलर लेना है, रोलर मीन्स जो हमारे एल्युमिनियम फॉयल या पेपर के जो रोल निकलता है ना वो। यहाँ पर ये मेरे पास एक रोल है, ये रोल एल्युमिनियम फॉयल का नहीं है, होली पर जो कलर आते हैं ना बॉम ब्लास्ट वाले उसका है। और ये इस तरीके का आप एल्युमिनियम फॉयल का भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बहुत सारे यूज़ हैं तो आप उनको यूजलेस समझ के कभी थ्रो मत कीजिएगा। तो इसके फिक्स नाप का मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरीके से हमारे सारे स्ट्रिप्स निकल के आ गए हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से आप चाहें तो उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट नहीं करना चाहते हैं तो आप फटाफट से इस तरीके से ऐसे करके ज्वाइंट कर लेना है, और नहीं करना चाहते तो भी इस तरीके से आप रोल कर सकते हैं, एक के ऊपर एक आपको रोल करके चढ़ाना है। बट जिस तरफ से चढ़ा रहे हैं तो जब दूसरा रोल करें तो उसके उल्टे डायरेक्शन में ही आपको रोल करना है। देखिए यहाँ पर ये वाला रोल फिनिश हुआ तो मैं इसको करूँगी, तो मैं इसको इस तरीके से रख के एंड टर्न करूँगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो जो आपका शेप आ रहा है उसकी तरफ दूसरी तरफ ही आपको इसको रोल करना है। और ये देखिए अच्छे से आपके रोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से चार से पाँच मैंने न्यूज़पेपर को रोल कर लिया है। तो ये इस तरीके से आप किचन में इनको रोल करके हैंग करेंगे ना तो आपकी रोज़ की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाली है। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से रोल कर लीजिए। फिर यहाँ पर एक मैंने थ्रेड लिया है, डोरी ली हुई है, ठीक है, उसको यहाँ पर इस तरीके से डालकर सिंपल सा आपको यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर नॉट लगा देनी है एक। तो इस तरीके से आप नॉट लगा दीजिए, ये देखिए, तो इस तरीके से आपने नॉट लगा देनी है। अब बस अब आपने जहाँ पर भी आपको सुटेबल हो वहाँ पर एक उसको इस तरीके से मैच जरूर कर दीजिए जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। ये हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। अब आप इसको कहीं पर भी कील वगैरह लगाकर एक अच्छे से हैंग कर दीजिए। तो अब जब भी आपको क्लीनिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ से फटाफट से इस तरीके से खींच के और अपना जितना भी आपको खींचना है उतना आप खींच लीजिए इस तरीके से, और बस इस तरीके से टुकड़े कट करके आप फटाफट से यहाँ से फाड़ लीजिए। जैसे कि आप टिश्यूज पेपर वगैरह को मतलब रखते हैं तो इसकी बजाय आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, और इससे आप अपनी बहुत सारी क्लीनिंग कर सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। और न्यूज़पेपर से सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग होती है, कोई भी जो दाग वगैरह रह जाते हैं वो भी नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से आपको फाड़ते जाना है, ठीक है, और बस से आप उसकी जो रोज की क्लीनिंग होती है, जैसे आपके गैस स्टोव को आपको क्लीन करना हो तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। कपड़े से क्लीन करते हैं तो फिर उसको धोने होने की टेंशन रहती है, पर अगर आप न्यूज़पेपर से करते हैं तो आप इसको, या ये यूज एंड थ्रो होता है तो आप इसको यूज़ कीजिए एंड इसको थ्रो कर दीजिए। तो देखिए इससे जो ऑयल वगैरह के दाग हैं काफ़ी अच्छे से हट जाते हैं। तो बस इस तरीके से जब भी आपकी चीज़ गैस गंदी हो गई हो या थोड़ा बहुत कुछ फैल गया हो, इसमें ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी चीज़ों को ये अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए आप सेल्फ वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो अब डेफिनेटली बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक बास्केट को लिया हुआ है, ठीक है, तो इस बास्केट में हम जैसे कि अपने आलू या प्याज वगैरह भर के रखते हैं तो उनको भरने से पहले आप इस तरीके से न्यूज़पेपर के टुकड़े जरूर डाल दीजिएगा। और मेक श्योर कि आप जो भी बास्केट यूज़ कर रहे हैं उसमें होल जरूर होने चाहिए, सारे तरफ चारों तरफ उसके होने चाहिए, और जो नीचे का स्पेस है उस पर भी होल वगैरह होने चाहिए जिससे कि हवा वगैरह अच्छे से पास हो सके।
और इस तरीके से न्यूज़पेपर रखेंगे तो हल्की वल्की नमी आती है ना, तो और जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इस तरीके से आलू या प्याज कुछ भी हो आपकी जल्दी से खराब नहीं होते हैं। बस इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके आपको ऊपर भी इनके डाल देने चाहिए। तो इस तरीके से चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, आपके आलू जल्दी खराब नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो अच्छे से इनको स्टोर करने के लिए हम इनके डंठल वगैरह जो है हटाकर रखते हैं, क्योंकि डंठल हटाने से और तो ये मिर्च जो इनकी सेल्फ लाइफ होती है काफी बढ़ जाती है, जल्दी से हमारी जो मिर्च वगैरह सड़ती नहीं है। तो इस तरीके से हम डंठल वगैरह अलग कर लेते हैं एंड इनको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर हम किसी भी न्यूज़पेपर के पॉलिथिन बनाकर उनको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जब भी हम मिर्च वगैरह स्टोर तो कर लेते हैं लेकिन इनकी जो डंठल हम तोड़ के रखते हैं ना, तो इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप इनको फेंकिएगा मत, बल्कि इनसे आप बहुत ही अच्छा सा एक काम कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसमें ये डंठल को डाल देना है। तो इनको आप ओवरनाइट के लिए ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो 3-4 घंटे के लिए भी आप इसको रख दीजिए ढक करके। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पानी है इसकी जो सारे मिनरल्स क्वालिटीज होती हैं, चिली की जो मिनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस पानी में आ जाती हैं और ये चिली वाटर आपका बन के तैयार हो जाता है। तो इसको आप अपने प्लांट्स वगैरह में डाल सकते हैं डंठल निकाल के, जिससे क्या कि आपके प्लांट्स में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और जो फंगस वगैरह लग जाते हैं पेड़ों में वो बिल्कुल भी नहीं होगी, पेड़ आपके बहुत ही अच्छे से हरे भरे रहेंगे। तो गाइस अब नेक्स्ट टिप्स है कि अक्सर हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, हाथ वगैरह जल जाते हैं किचन में काम करते हैं, थोड़े बहुत छींटे आ जाते हैं, कट लग जाता है। तो इस तरीके से आटा जब भी हम हाथ से मुट्ठी गूंद के करते हैं तो हाथों में पेन होता है और कई बार हमारी तबीयत वगैरह खराब होती है। तो आप ये ट्रिक बच्चों के साथ भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके घर में बच्चे छोटे बच्चे तो आप उन्हें बता सकते हैं। जैसे 10-12 साल का बच्चा है तो वो इतना काम करने के लिए प्रॉपर नहीं होता है, बट आप थोड़ा सा उसे इस इंटरेस्टिंग बना के देंगे और कुछ इस तरीके से तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पॉलीथिन में भी आटा गूंद सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा ऑलरेडी मेरा स्ट्रेन था, छना हुआ था, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। मैंने 2 बच्चों के लिए ही आटा लिया है बिकॉज राइस भी बने हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा ही आटा लगाना है। और मैं आटा तुरंत ही लगाती हूँ, जब भी मुझे रोटी बनानी होती है तो मैं 10 मिनट पहले ही आटा लगा के रखती हूँ और 10 मिनट में वो फूल जाता है अच्छे से। मैं पहले से बनाकर नहीं रखती हूँ और जितना हो सकता है कि मैं फ्रिज में रखे हुए आटे को अवॉइड करती हूँ उससे रोटियाँ बनाना, तो मैं उतना ही गूंथती हूँ जितना बच्चों को खाना हो या हस्बैंड को खाना हो, क्योंकि आटा गूंदने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है मुझे। मतलब चाहे मैं ठीक हो या नहीं हो मुझे मुश्किल से 30-40 सेकंड लगते हैं आटा गूंदने के लिए। हाँ ये है कि मुझे आटा बहुत थोड़ा सा ही गूंदना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से मैंने आटा, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको डालते जाना, पानी आप स्पून से ही डालिए बिकॉज डायरेक्टली डालेंगे तो ज़्यादा हो सकता है। और तो और जितना आप ले रहे हैं तो उतना लीजिए। और हाँ यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने बोली, पॉलीथिन आपको अच्छे से क्लीन ही लेनी है बिकॉज ये हाइजीन प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको पॉलीथिन क्लीन लेनी है। और मैंने जो पॉलीथिन यूज़ की है वो बेकरी की है जिसमें बेकरी का सामान आया हुआ था, ऑलरेडी कोई चीज़ नहीं थी सब्जी वगैरह की, आप ना यूज़ करें, जो भी साफ़ सुथरी हो वो ही यूज़ करें। और यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो स्किप हो गया था कि मैंने जब आटा गूंदने से पहले अपने पॉलीथिन को ऑयल से ग्रीस किया था जिससे कि इसमें ज़्यादा आटा चिपके नहीं गूंदने के बाद, तो वो पार्ट स्किप हो गया था। तो अगर आप इस तरीके का ट्रिक फॉलो कर रहे हैं तो पॉलीथिन को हल्का सा ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस इस तरीके से आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जाएंगे और इस तरीके से हाथ भी गंदे नहीं होते हैं और आपका आटा भी फटाफट से गूंद कर तैयार हो जाता है। ये देखिए हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं और ये देखिए आटा भी बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस इसको निकाल लेना है आपको, ये देखिए पॉलीथिन भी अच्छे से साफ हो मतलब हो गई है, ज़्यादा अब आटा भी नहीं लगा है। तो आप धीरे धीरे गूंदेंगे ना तो पूरा ऑयल लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी आटा नहीं रहेगा। तो ये देखिए आटा बिल्कुल गुच्छे से गूंद कर तैयार हो गया। बस फटाफट से इसको थोड़ा सा आपको हल्के हाथों से मसलना है, तो बस मुश्किल से 10 सेकंड तक आप इसको अच्छे से मसल लीजिए जिससे कि आटे में थोड़ा सा रबर टाइप आ जाए और रोटियाँ आपकी बहुत ही अच्छी और फूली फूली इससे बनकर तैयार होंगी। तो चलिए मैं फटाफट से आपको 1-2 रोटी बना के भी इसकी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से रोटी बनती है, वरना आप लोग सोचेंगे कि इस तरीके से आटे गूंदने से रोटियां फटाफट बनेंगी यानी। तो ये देखिए आपकी फटाफट से फूली फूली रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो गाइज ये था मेरा आज के टिप्स एंड ट्रिक्स, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा क्योंकि मैं इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लेके आती रहती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।